हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है रीना हैप्पी फैमिली में। तो देखिए, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो आप ठीक समझे, हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे तो हमें आज मैगी खाने की इच्छा हो रही थी। तो मैं जा रही थी ब्रेकफास्ट में मैगी बनाने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूं कि मैं किस तरह से बनाती हूं मैगी। अगर आपको पसंद आए तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है। सिंपल मैगी तो सब लोग खाते हैं, पर आप इस तरह से बना करके देखिए मैगी को, तो देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं हम बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी मैगी। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं मैंने मैगी लिया है ये, और ये लिया है मैंने 2 मीडियम आकार के प्याज, इसे छोटा कट कर लिया है। 2 हरी मिर्च लिया, इसे भी कट कर लिया है। 1/2 टमाटर मैं ली हूँ, और ये धनिया के पत्ते, और कुछ पाउडर मसाले भी मैं ऐड करूँगी इसमें, तो मैं आपको दिखाती रहूँगी। मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था, और इसमें मैंने 2 छोटा चम्मच तेल भी ऐड किया है, डाला है इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी, और मैं ये हरी मिर्च जो कट किया था वो डाल दूंगी मैं इसमें। तो उसके बाद मैं प्याज ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा प्याज जो है ब्राउन हो चुका है, भुन गया है। मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। और देखिए यहाँ पे मैं मटर ऐड कर रही हूँ इसमें, ये फ्रोजन मटर है। आप इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च हो और गाजर हो, ये सब डाल सकते हैं आप इसमें, डाल करके बना सकते हैं। ये देखिए हमारा टमाटर भी भुन गया है। अब मैं इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करूंगी, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाल मिर्च का थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा काली मिर्च, और हल्का सा गरम मसाला थोड़ा थोड़ा सा डालना है, 1-1 पिंच, ज़्यादा नहीं ऐड करना है इसमें। इसे थोड़ा सा भून लेंगे हम। अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी, तो आप स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लीजिए इसमें। और ये जो मैगी मसाला होता है इसे मैं ऐड कर रही हूँ। हल्का सा भूनने के बाद इसे में मैं पानी डाल दूंगी। तो आप मैगी को जिस तरह से भी खाना चाहें, बहुत सारे लोग थोड़ा सा इसमें ग्रेवी पसंद करते हैं, थोड़ा ग्रेवी वाली, और कुछ लोग इसे सूखा पसंद करते हैं। तो आप जिस तरह से खाना चाहें आप उस तरह से बनाइए जो आपको पसंद है। थोड़ा सा मैं इसमें कसूरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ, ताकि इसका कलर, ये तीखा नहीं होता है पर सिर्फ कलर के लिए, इसका कलर बहुत अच्छा है। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी में उबाल आ गई है। अब मैं इसमें मैगी डाल दूंगी, ऐड कर दूंगी मैगी को।
अब स्लो आंच पे मैं इसे थोड़ा देर के लिए ढक के पका लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा मस्त टेस्टी टेस्टी मैगी बन करके तैयार हो गया है। और मैं इसमें अब डाल रही हूँ धनिया के पत्ते, जो कि टेस्ट को और भी बढ़ा देंगे। तो ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो आप भी इस तरह से अपने घर में मैगी ट्राई करिए और इंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर लीजिए, और लाइक और शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। तो ये देखिए कैसी लग रही है। तो चलिए मैं इसे सर्व करके बताती हूँ। Audio Jungle.